मेरा नाम प्रकाश महाकाल है, मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, नगर निगम से रिटायर्ड हूँ। मेरे सबसे पहले ये सब मैंने YouTube पे देखा था कि ऐसा सा इलाज है करके, मेरे को थोड़ा विश्वास भी हुआ और थोड़ा पैसे बहुत ज़्यादा मालूम पड़ रहे थे। फिर भी मैंने हिम्मत करी, यहाँ आया। पर मेरे को यहाँ आने के बाद बहुत फ़ायदा मालूम पड़ रहा है। पर ऐसा लग रहा है कि मेरी मदर भी 80-85 साल की थी और बहुत साल से बेड़ी थी। अगर शायद ये इलाज का मेरे को पहले मालूम पड़ता तो मैं 5-10 साल पहले उनको अगर लिया था तो 5 साल उनके अच्छे से कट जाते और उनको बहुत अच्छा मतलब फील होता। और जो बेड़ेपन का जो उनको एक भोगना पड़ा वो भोगना नहीं पड़ता। और हमको भी लगता है कि हाँ भाई चलो बेड़ेपन का एक इलाज हो गया और वो अपनी मदर को अपन अच्छे सुने पर उसको आता हम उससे ज़्यादा अच्छी बातचीत कर पाते हैं। पर वो बातचीत नहीं कर पाई, बहरे थी इसलिए हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए। तो हमको उस बात का मलाल है बड़ा। अगर मान लो ये पहले अगर मालूम होता 10-15 साल पहले तो हम उसका इलाज यहाँ जरूर करवाते। मेरे को मैंने पुणे के डॉक्टर को बताया था, उज्जैन के डॉक्टर को बताया था, इंदौर को बताया था कि कान में छेद हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं ऑपरेशन के भर्ती हुआ था पर मेरा BP बढ़ने से मैं ऑपरेशन नहीं करवा पाया। और बाद में मैंने फिर ये सब YouTube पे मैंने वीडियो कर देखा तो पता नहीं क्या है, कितने लेंगे पैसे, क्या है क्या नहीं। पर फिर भी मैं हम घूमने आए थे, मैंने जानबूझ के इधर एक ट्राई मारा घर वालों को बिना बताया। और घर पे आके मैं यहाँ पे आके मैंने ट्रीटमेंट करवाया। और बहुत से यहाँ राजस्थान के, महाराष्ट्र के, गुजरात के और पंजाब के, हरियाणा के भी लोग मैंने देखे और बहुत ही फ्रेंडली सब इलाज होता है। इलाज भी मतलब बिल्कुल ऐसा है कि लगता ही नहीं कि आपको इलाज हो रहा है और बहुत फ़ायदा मालूम पड़ रहा है। मेरे खुद का भी मैंने वो सारेगामा कारवा का जो लगाया था उसमें से मेरे को मालूम पड़ा कि नहीं है फ़ायदा तो हुआ, इसमें निश्चित फ़ायदा हुआ है। ठीक है सर।